आंसर। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर। ओके ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? चित्तर पहचान कर, चित्तर पहचान कर एक वचन बहुवचन लिखिए। क्या करना है? चित्तर को पहचान कर क्या करना है? एक वचन और बहुवचन लिखना है। क्या लिखना है? एक वचन और बहुवचन लिखना है। चित्तर को क्या करना है? चित्तर को पहचानना है और एक वचन और बहुवचन लिखना है। ओके, ये क्या है? क्या है? एक वचन। क्या है ये? एक वचन। एक वचन। ये क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। ये क्या है? एक वचन। क्या है? एक वचन। और ये बहुवचन। क्या है? बहुवचन। ओके, चित्तर पहचान कर क्या करना है? एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्र देखकर बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखकर बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से क्या करने हैं? वाक्य को पूरा करना है। क्या करना है? वाक्य को पूरा करना है। एक नदी में तैर रहा था कछुआ। एक नदी में कछुआ तैर रहा था। कौन तैर रहा था? कछुआ तैर रहा था। पेड़ पर तीन बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं पेड़ पर? बंदर। पेड़ पर तीन बंदर बैठे हुए हैं। पेड़ पर तीन बंदर बैठे हुए हैं। दो नदी में तैर रही है। दो नदी में बतखें तैर रही है। नदी में क्या तैर रही है? दो बतखें तैर रही है। एक नदी में पानी पी रहा है। कौन पी रहा है? एक हाथी। एक हाथी नदी में पानी पी रहा है। नदी के किनारे खिले हैं। क्या खिले हैं? फूल। नदी के किनारे फूल खिले हैं। क्या खिले हैं? फूल खिले हैं। नदी के किनारे फूल खिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। क्या करना है? दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। एक, अनेक। एक, अनेक। तो इस प्रकार क्या करना है? दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से क्या करना है? क्या करना है? मिलान करना है। दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ओके, अगला क्या है? चित्रों को देखिए और कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्रों को देखिए और कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द भरकर क्या करने हैं? वाक्य पूरे करने हैं। क्या करने हैं? वाक्य पूरे करने हैं। ओके, पतंग उड़ा रहे हैं। कौन उड़ा रहा है? लड़का पतंग उड़ा रहा है। मेज पर रखी हुई है। मेज पर रखी हुई है। तो क्या रखी हुई है? मेज पर किताब रखी हुई है। क्या रखी हुई है? किताब। उड़ रही है तितलियां।
तितलियां उड़ रही है। तितलियां क्या हो रही है? तितलियां उड़ रही है। ओके, क्या हो रही है? तितलियां उड़ रही है। तो ये क्या है? क्या है? चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर है। क्या है? चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर है। क्या है? चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर है। तो आज आपको क्या करना है? क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर को क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से क्या करना है? राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। पहले क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे। क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे और फिर क्या करोगे? ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में राइट करोगे। क्या करोगे? अच्छे से राइट करोगे और फिर क्या करोगे? इनको फिर क्या करोगे? इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? इसको पहले अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर इनके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं, फिर इनको अच्छे से क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।